तो आज आप लोग जो देख रहे हैं ये कुछ महत्वपूर्ण समाजकारी के प्रश्न पत्र हैं और मैं आप लोगों से चर्चा करने चल रहा हूं। जून 2007 का ये प्रश्न है। आपको बता दूं कि ये यूजीसी नेट और एमपी सेट के साथ साथ उत्तराखंड चिकित्सा समाजकारी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने पहला प्रश्न है कि डंकन का सामाजिक आर्थिक सूचकांक निम्नलिखित में से एक को मापता है। ध्यान से समझिए, यहाँ जो एस और ई और आई शब्द दिया गया है ये बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक और इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक प्रकार के सामाजिक और आर्थिक सूचकांक को बताता है। बताइए इनमें से किसको मापता है ये? ऑप्शन चार है आपके सामने, व्यावसायिक लक्ष्य, व्यावसायिक जोखिम, व्यावसायिक अंतर, व्यावसायिक लाभ। ऑप्शन बताइए ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट? और सर इसका इंग्लिश वर्जन भी दिखा दीजिए प्लीज। अच्छा, ए ऑप्शन इंग्लिश वर्जन भी आप देख लीजिए। वैसे तो ये ठीक है, अगर आप कहें तो मैं इंग्लिश में सर। इसमें आप लोग बताते भी रहूंगा, है ना। देख लीजिए ए यहाँ पे सर, आप लोग एक बार ए ध्यान से ऑप्शन गोल्स सुनिए। ए सर। अच्छा, सभी लोग एक तरफ जा रहे हैं, सबका झुकाव एक ही तरफ है। चलिए अब आप मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। ये इसका जो ऑप्शन है ना वो डी है। इसका जो ऑप्शन है वो डी है, ध्यान दीजिएगा, ना कि ऑप्शन ए है। ऑक्यूपेशंस जो लाभ, यानी एक प्रकार से अगर हम बात करें एडवांटेज की बात करना है ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, मैं आपको बताना भी चाहूंगा कुछ इसके बारे में। ये बेसिकली 1950 में इसका क्लासिफाइड हुआ था और 1950 में जनगणना के आंकड़ों के उपयोग करते समय, जनगणना में जब आंकड़े यूज हो रहे थे, तो उस दौरान सामाजिक आर्थिक सूचकांक का प्रयोग किया गया था। तो सभी व्यवसाय के लिए एक सामाजिक आर्थिक सूचकांक था और किसी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक लाभ या उसके नुकसान के सापेक्ष जो स्तर होता है, उन स्तर का जब वर्णन होता है ना, तो वह व्यावसायिक लाभ में होता है। और यह प्रक्रिया डक्कन के अकॉर्डिंग कही गई है। डक्कन, एक ही बात याद रखिएगा कि जब डक्कन का नाम आएगा तो सामाजिक आर्थिक सूचकांक याद रखिएगा। और सामाजिक आर्थिक सूचकांक किस परिप्रेक्ष्य में याद रखेंगे? वो व्यावसायिक लाभ के परिप्रेक्ष्य में याद रखेंगे। और कब याद रखेंगे? तो इसका क्लासिफाइड किया गया था तो 1950 में क्लासिफाइड किया गया था। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? पहली बात 1950, दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, डक्कन, और इसके अकॉर्डिंग क्या सामाजिक आर्थिक सूचकांक, ये तीसरी बात हो गई। और इसके अनुसार कौन सी काम हो रहा है, किस चीज को माप रहा है, तो व्यावसायिक लाभ को माप रहा है, ये आपकी चौथी बात। बस इतनी बात ध्यान रखिए, इतना ही काफी है डक्कन के सामाजिक आर्थिक सूचकांक के संबंध में। क्वेश्चन नंबर टू लीजिए। सामुदायिक संगठन के कुल 28 सिद्धांत किसने सुझाव दिए हैं? मैंने आप लोगों को बताया कि ये सर काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ जिन बच्चों ने ऑप्शन ए का चुनाव किया है, ये करेक्ट जवाब है। बेसिकली हु सजेस्ट 28 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये ऑथर डनहम के द्वारा बताए गए थे 28 जो है सिद्धांत, है ना। और ये बात आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में, 28 सिद्धांत बताए गए थे। मुर्रे जी रॉस के अकॉर्डिंग कुल टोटल 13 सिद्धांत बताए गए थे। और मैंने जब आप इसकी थ्योरिकल क्लास ले रहा था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को। एक तो आ शब्द आता है, साथ ही साथ एक शब्द आता है संघ और संस्था करके, ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है? तो आप इसके आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है? तो बेसिकली 28 सिद्धांत तो आर्थर डनहम ने बताए थे, लेकिन इसमें जो है 7 ऐसे सिद्धांत थे जो शीर्ष पे रखे गए थे। एग्जाम में हमसे ये कभी अभी तक पूछा नहीं गया है कि ऑथर डनहम के अकॉर्डिंग जो है 28 सिद्धांत में ये है ये नहीं है, ऐसा अभी तक पेपर में सवाल नहीं आया है और आएगा भी नहीं, है ना। ये सवाल आएगा भी नहीं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑथर डनहम, और ऑथर डनहम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ही फेमस पर्सन है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही फेमस पर्सन है, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ऑथर डनहम का नाम, ठीक है, ऑथर डनहम का नाम। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ऑथर डनहम ने और मार्गरेट दोनों मिलके, ऑथर डनहम और मार्गरेट दोनों मिलके इन्होंने एक जो है लकड़ी के भीतर खजाने की खोज को लेकर बातचीत किए थे एक किताब में।
ठीक है। तो ऑथर डनहम के अकॉर्डिंग जब कभी प्रश्न हमें देखने को मिलता है तो ये तथ्य कभी हो सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन अगर लकड़ी के भीतर खजाने की खोज के लेकर जो खेल एक टाइप का आता है खेल, उसको रिप्रेजेंट करने में अगर भूमिका आई है तो ऑथर डनहम की देखने को मिली है। किसके साथ? मार्गरेट के साथ, मार्गरेट के साथ। और बाकी सन 1958 में आप याद रखेंगे, 1958 की बात करेंगे तो 1958 में ऑथर डनहम ने एक प्रिंसिपल करके किताब लिखा है, उस चीज को आप अवश्य ध्यान रखेंगे। किताब का नाम आप ध्यान रखें कि उस किताब में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल बताए गए हैं। सर हाँ, पुस्तक का 28 नाम क्या है? कब बताए गए थे? 1958 में, 1958 में, 1958, 1958। पुस्तक कौन से है सर? हाँ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं इसके बारे में। अगला सवाल लेंगे, और अगला सवाल हमारे सामने है रॉबर्ट रेडफील्ड के अकॉर्डिंग एक किताब है, और वो किताब है कौन सी, बताना है आपको। लिटिल कम्युनिटी, ए ऑप्शन। ओके, रॉबर्ट रेडफील्ड की कम्युनिटी से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको एक बात बताया था, कृषक समाज। कृषक समाज की अवधारणा किसने दिया है, कौन बताएगा मुझे? रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉबर्ट रॉबर्ट रेडफील्ड। हाँ, याद रखेंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने बेसिकली, अगर मैं बात करूं, ग्रामीण समाज के आंतरिक और बाह्य संरचना की व्याख्या भी किया है कृषक समाज में। पहली बात यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इनकी एक किताब आई, वो किताब का नाम था द लिटिल कम्युनिटी करके, द लिटिल कम्युनिटी ऑप्शन ए में है, और ये किताब सन 1955 में आई पचपन थी, 1955 में आई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप एक चीज और बता दूं कि लघु समुदाय के अंतर्गत कुछ विशेषता पर बात हुई है, बताना चाहेंगे आप लोग? लिटिल कम्युनिटी के अनुसार विशेषता बताना चाहेंगे? सर, इसमें लघु समुदाय बताया, सर विशिष्ट लघुता समुदाय आएगा सर, बताया। हाँ, कुछ विशेषता बताई, इसने बताया है आप लोगों को, बताना चाहेंगे उस विशिष्टता, विशेषता का समरूपता, नाम? आत्मनिर्भरता। हाँ, रेडफील्ड के द्वारा मैं नोट कर रहा हूँ, लघुता एक शब्द आपने बोला, एक आपने जी आत्मनिर्भरता बोला, एक आप लोगों समरूप ने एक समरूपता बताया है अभी भी, और क्या बताया आपने, एक विशिष्टता सर। विशिष्टता। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चार हैं इसके अंतर्गत, ये भी सवाल पेपर में आ चुके हैं, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड की चार विशेषता है, इसको रट्टा मार लीजिएगा, पेपर में ये अवश्य पूछे जा सकते हैं आप, ठीक है। सन 1955 में लिटिल कम्युनिटी, ध्यान रखेंगे ये चार विशेषता। आगे बढ़ते हैं, एक देखिए यहाँ पर कुटुम्ब करके एक अर्थ आता है। अच्छा, एक 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 बात ये भी ध्यान रखिएगा, द स्मॉल कम्युनिटी करके एक किताब आई थी, और ये किताब है अर्नेस्ट मॉर्गन की। किसका किताब है ये, नोट करना, कोट लीजिए, अर्नेस्ट मॉर्गन की ये किताब है, मॉर्गन की ये बुक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। स्मॉल कम्युनिटी है, लिटिल कम्युनिटी नहीं है, स्मॉल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अच्छा, कौन से समय आई? एग्जैक्ट वर्ष इसका भी वो है, मतभेद है कई विद्वानों में भी, है ना, तथ्य उतना नहीं मिला है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। सर एक बार बैक करना क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ठीक है। जी सर, हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैं एक शब्द बता रहा हूँ, किम्बुटिज्म। किम्बुटिज्म जो है क्या अर्थ बनता है, क्या अर्थ बनाता है किम्बुटम, या किम्बुटिज्म का अर्थ क्या बनता है? समुदाय की प्रतिभागिता, देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए। क्या एक ना ग्रामीण समुदाय है जो पारस्परिक सहायता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इज़राइल में यह एक टाइप का जो है समझौता है ना, किम्बुटिज्म जो शब्द है वो इज़राइल में एक टाइप का समझौता है। और सन 1910 में अगर मैं बात करूं तो एक नाम आता है डिगम्मा करके, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना अच्छा भाई, अब कितना धीरे बोलूँ, एक शब्द आता है डिगम्मा करके, 1910 की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सर। ये किसमें बता रहे हो सर? ये बता रहा हूँ इनमें सर, किम्बुटिज्म शब्द में है ना, इज़राइल के एक टाइप के कॉलेज, ठीक है, ये समझौता था उस समय की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये
जो जो है किम्बुटिज्म जो शब्द यूज किया गया वो कृषि पर आधारित था, वो कृषि पर आधारित, किस पर आधारित था, वो कृषि पर आधारित था। तो अब बेसिकली ये जो चीजें रिप्रेजेंट हुई वो सहकारी जीवन यापन को रिप्रेजेंट किया, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, ना कि समुदाय की प्रतिभागिता। समुदाय की प्रतिभागिता गलत है, संकट की स्थिति भी हस्तक्षेप गलत है, सामान्य हित भी गलत है। जो किम्बुटिज्म का अर्थ है वो ग्रामीण समुदाय से तो रिलेटेड तो है ना, परंतु यहाँ जो सही जवाब जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इस पर आधारित है और इसी पर बातचीत। सर ये स्टार्टिंग में आपने ये बताया था ना, पारस्परिक सहायता, और आगे क्या बताया था, क्या कह रहे हो फिर से बताओ। ग्रामीण समुदाय से रिलेटेड आपने बताया थे ना वर्ड, पारस्परिक सहायता, और आगे क्या बताया था, पारस्परिक। अरे भाई मैं ये कह रहा था कि पारस्परिक सहायता सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है ना, ये तो पारस्परिक सहायता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है, ये बता रहा था। सर ये डेगमया क्या लिखा है, डेगमया बताइए क्या कह रहे हैं। अच्छा डेगम, यहाँ पे डेगमया एलेफ एक नाम है, डेगमया एलेफ एक नाम है। यस लता बिष्ट जी एक बार मैम म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज आ रही है आपके यहाँ से। चलिए आगे देखिए, एक और सवाल लेते हैं, समय मत ज्यादा व्यतीत करिए, है ना, अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग और एक सवाल करेंगे। रॉस ने सामुदायिक संगठन के लिए तीन मार्ग सुझाए हैं, एक है विशिष्ट कथन मार्ग, एक है सामान्य कथन मार्ग, नीचे दिए गए तीसरा मार्ग का नाम ढूंढना है, कौन ढूंढ के बताएगा। सर बी प्रक्रिया मार्ग, बी ऑप्शन सर, प्रक्रिया मार्ग, प्रक्रिया मार्ग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आया। अब यहाँ पर मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ, चाहे वो यूजीसी नेट हो या एमपी सेट या उत्तराखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पेपर मिलेगा तीनों में। आपको बता दूं, एक नाम ध्यान से सुन लीजिए, रॉस का नाम, रॉस महोदय के बारे में कॉपी पेन साथ में बैठे हो तो आप लिख लो, एक है सामान्य रूपरेखा, और सामान्य रूपरेखा को बोला जाता है सामान्य कथन मार्ग भी, और एक है विशिष्ट रूपरेखा, इसी को बोला जाता है विशिष्ट कथन मार्ग भी, और तीसरा है प्रक्रिया, जो अभी आप लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर बी का। ये अप्रोचेस के नाम से भी आता है, उपागम के नाम से भी आता है, याद रखेंगे आप सब। सर एक बार रिपीट मारना क्या है। सर लिखा हुआ है, देखिए पेपर में लिखा हुआ है, एक विशिष्ट कथन है, एक सामान्य कथन, एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये तो रॉस का है, रॉस ने सन पहली बार तो 1968 में दिया, और ये प्रक्रिया जो जानते हैं आप सभी लोग, ठीक है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1968, ठीक है 1968। अब उसके बाद देखिए एक बात अगर हम करते हैं सिद्दीकी के बारे में, सिद्दीकी का नाम सुना है। जी सर, एचवाई सिद्दीकी। हाँ सिद्दीकी, एक इन्होंने 1997 में बताया था, तीन क्या बताया था, एक प्रतिवेश बताया था, और एक जो है इन्होंने व्यवस्था बताया था, और एक इन्होंने बताया था संरचनात्मक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आप याद रखेंगे रॉथमैन का, रॉथमैन के बारे में अगर हम बात करेंगे आप लोगों से, तो एक इन्होंने स्थानीय बताया था, और एक इन्होंने सामुदायिक नियोजन बताया है, और एक इन्होंने सामुदायिक क्रिया बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बताया हूँ, जरूर आप लोगों को ये पेपर में देखने को मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे देख लीजिए। तो सही जवाब प्रश्न नंबर पांचवें का ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, यही करेक्ट है, बाकी तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में डाले गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। स्थानीय क्या क्या है सर, स्थानीय स्थानीय प्रारूप के लिए अप्रोच या उपागम, सामुदायिक नियोजन का उपागम, या सामुदायिक क्रिया का उपाय। मैंने लिखवाया सर, नर्सिंग सर आप ही बोल रहे हो ना। नहीं सर मैंने बोला। अच्छा सर, ज्वाइनिंग का मार्ग और प्रारूप एक ही है क्या इसमें। हाँ मार्ग, देखो मार्ग का मतलब प्रारूप आप कह सकते हो, या आप यहाँ पे रूपरेखा कह सकते हो, है ना, रूपरेखा भी कह सकते हो, कोई अलग। ये क्या है सर, प्रारूप है सर इनके। अप्रोच भी बोल सकते हो मार्ग का मतलब, है ना, ठीक है जी सर, क्या करें आप फिर बताइए। सर ये प्रारूप है क्या सिद्दीकी के और रॉथमैन के। ये जी 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 आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये प्रारूप, ठीक है, ये प्रारूप है, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, है ना सर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रॉथमैन ने थर्ड कौन सा,
म्यूट रहिए सभी लोग, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, ध्यान से सुनिए सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन। अगला बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा नीति के प्रवर्तन डैश में हुआ, बताइए 1986 है, 1987 है, 1988 है, 1988 सर, सर सी 1988 सर, 1988 बता रहे हैं आप लोग, 87 हाँ सर। अच्छा, यही जवाब सही है आपका। राष्ट्रीय युवा नीति के प्रवर्तन में अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा, 1988। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सामाजिक और आर्थिक दशाओं में परिवर्तन के लिए बेसिकली 1988 में राष्ट्रीय युवा नीति के प्रवर्तन के रूप में देखा गया है। और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं 1986 वाला ना, ये किशोर न्याय अधिनियम वाला एक्ट है, और जो आप ये 1987 देख रहे हैं आप लोग ना, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम देख रहे हैं। अच्छा आपको बताइए जरा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कब आया है, कौन बताएगा? 2017 हाँ, देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अगर पेपर में आपसे सामने सवाल आएगा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, तब आप लगाइएगा 1987, और यदि पेपर में आएगा आप लोगों के कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, तब आप 2017 लगा लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, 2017 लगा दीजिएगा। अब देखिए 1988 तो पता हो गया राष्ट्रीय युवा नीति, 1989 में बताऊं मैं आपको, ये संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार का आयोग के द्वारा एक अधिकार कन्वेंशन था जो 20 नवंबर 1989 को स्थापित किया गया था या बनाया गया था, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए चारों ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, किशोर न्याय कन्वेंशन बड़ी बता दीजिए दोबारा क्या था सर, 1970 वाला क्या बताएं, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। भाई आप लोग सुन ही नहीं रहे हो अच्छे से, एक सवाल को मेरे से कई बार पूछो, आप सुनो ना अच्छे से, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 होगा और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 होगा, ध्यान रखिएगा। और जो 1989 का है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के द्वारा बाल अधिकार कन्वेंशन था जो 20 नवंबर 1989 को चलाया गया था, है ना, ये आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये अगला सवाल लेते हैं, इतना आराम आराम से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग हर बार क्लास में ऐसे ही करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार बाल कन्वेंशन ये कब आया था सर? 20 नवंबर 1989 को। अब देखिए, ओएनआईट समाजशास्त्रियों ने सामुदायिक संगठन के नीचे लिखे में से किसमें विश्वास करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अब आप मुझे जवाब बताइए। सर डी, नया समन्वय। ओके, अब आपने यहाँ पे सभी लोगों ने मुझे जो बताया ऑप्शन बेसिकली डी, और भी कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे? व्यापक समाजवादी आंदोलन पे आधारित, मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए, वरना आप लोग को सब ऊपर चला जाएगा। एक है रॉबर्ट ओवेन, क्या नाम है, रॉबर्ट ओवेन, इनकी एक रिपोर्ट आई, और ये जो रिपोर्ट थी इनकी, वो रिपोर्ट थी समाजवादी आंदोलन पर, ध्यान रखिएगा आप सब लोग, इस पर आधारित। अब अच्छा, ये रिपोर्ट कब आई थी, ये रिपोर्ट आई थी आपकी 1858 में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसके आधार पे ये जो प्रक्रिया बनाई गई वो सामुदायिक संगठन के संबंध में था, और वो बेसिकली अभी किसी बच्चे ने मुझे हारमोनी शब्द को यूज किया है, जो एक कोऑर्डिनेशन की बात करता था, एक समन्वय की बात करता था, यानी एक नया समन्वय, ठीक है। तो ऑप्शन, अच्छा समन्वय का मतलब यहाँ पर किस चीज को आप रिलेट करेंगे? कोऑर्डिनेशन, हाँ, हर कोऑर्डिनेशन नहीं, नहीं, यहाँ आपको हारमोनी शब्द यूज करना है। अच्छा, न्यू हारमोनी शब्द जानते हैं क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? न्यू हारमोनी? नो सर। है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, बताएंगे क्या आप लोग? नो सर। ओके, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिए, ये रॉबर्ट ओवेन का है, ये शब्द किसका है? रॉबर्ट ओवेन का है। ये बेसिकली आपको बता दूं, रिलीजन्स कम्युनिटी पर था, किस पे था? धार्मिक समुदाय पे था, नोट करिए, ये इसका मतलब क्या था, धार्मिक समुदाय था। तो अगर अब पेपर में सवाल में अगर आएगा नया समन्वय करके, तो उसकी जगह ये शब्द लिखना चाहिए था, धार्मिक समुदाय,
और ये बात 1825 की है, 1825 की है। द कम्युनिटी एट न्यू हारमोनी ऑफ रॉबर्ट ओवेन का नाम आता है, नोट करिएगा 1825। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या आप लोगों को? दिखाई दे रही है, दे रही। 1825 को, ठीक है। अब बताइए ये कंफर्म हो गया क्या? ऑप्शन डी समझ में आ गया क्या आपको? ये सवाल समझ में आ गया? एक बार स्पष्टीकरण करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। रॉबर्ट ओवेन का नाम देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, रॉबर्ट ओवेन। जी, 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 जी। ये विद्वान है, ये विद्वान है, कोई नाम नहीं, ये विद्वान का नाम है, ये है ना। इसने क्या किया था? इसी विद्वान ने एक एक आंदोलन का समर्थन किया था और उस आंदोलन का नाम था क्या? समाजवाद आंदोलन। और इसी को समाजवादी आंदोलन कहा गया। इसी को किसी किसी किताबों में आपको अगर समाजशास्त्र पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा यूटोपियन आंदोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूटोपियन आंदोलन बोलते हैं। समाजशास्त्र किताब में मिलेगा ये आपको, और इग्नू की सोशल वर्क में MSW 6 वाला पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको, MSW 6 वाली बुक, ठीक है। यूटोपियन का नाम करके मिलता है यहाँ पर, ये बात ध्यान, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार बताइए, स्पष्ट करिए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए। सर एक मिनट सर, यूटोपिया 1825 जो लिखा है आपने, ये किसमें संबंध में लिखा सर? ये सर मैं आपको बता रहा हूँ, द कम्युनिटी एट न्यू हारमोनी मतलब नया समन्वय, उसी के सर परिपेक्ष में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वहीं रॉबर्ट ओवेन ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था समाजवादी आंदोलन। समाजवादी आंदोलन का एक अर्थ लिखा यूटोपियन आंदोलन, इसी को बोला, इसी के नाम क्या बोला? यूटोपियन आंदोलन बोला, यही। तो समाजवादी आएगा तो समझ जाओगे, अगर यूटोपियन आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट ओवेन का नाम लगा के चले आइएगा, ठीक है, सही हो जाएगा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। उप संस्कृति को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? अच्छा सवाल, चार ऑप्शन, जरा फटाफट बताइए मुझे सर। ऑप्शन ये सांस्कृतिक द्वंद, सांस्कृतिक द्वंद, कल्चर लैग, कल्चर लैग। अब सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता दूं, उप संस्कृति किस दूसरे नाम से जाना जाता है? जो आप यहाँ पर बता रहे हैं कल्चर लैग, ये गलत है, ये आगबंड का है। जो कल्चर लैग यहाँ पर आप बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, जिन्होंने बच्चे गलत बताया सही कर लीजिए, आगबन का है सामाजिक घटना, जहाँ इन्होंने जिक्र किया था सांस्कृतिक कल्चर को लेकर, यानी कल्चर लैग को लेकर। और सोशल चेंज के बारे में भी, तो सोशल चेंज और कल्चर लैग ये दोनों सन 1922 में आई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक ऑप्शन आ रहा है सांस्कृतिक द्वंद। सांस्कृतिक द्वंद का मतलब क्या होता है कि संस्कृति संघर्ष का सिद्धांत को सांस्कृतिक विचलन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और ये बात थर्स्टन सोलिन ने दिया था, क्या किसने दिया था? थर्स्टन, नोट करिएगा, थर्स्टन सोलिन, सोलिन 1938 में दिया था, 1938 में दिया था, ठीक है, स्पष्ट करिएगा यहाँ। और केवल द्वंद आत्मक आएगा तो कार्ल मार्क्स का नाम आएगा, किसका नाम आएगा? कार्ल मार्क्स का नाम आएगा, कार्ल मार्क्स। और जब सांस्कृतिक संकट की बात होगी, यानी इसका मतलब क्या होता है कि भाग्यवादी दर्शन और संस्कृति संकट के बारे में बात करता, एक विद्वान का नाम था, उसका नाम था बिदने, क्या नाम था उसका? बिदने। बिदने ने सन 1946 में दिया था सांस्कृतिक संकट के बारे में। और एक है सांस्कृतिक सह अस्तित्व, ये है उप संस्कृति का दूसरा नाम, उप संस्कृति का दूसरा नाम है सांस्कृतिक सह अस्तित्व, इसका दूसरा नाम है। कल्चर का सिद्धांत, मार्क ओबे, यहाँ पे नाम आता है किसका? मार्क ओबे का, मार्क ओबे। इन्होंने सन 1996 में जिक्र किया था, कहा था कि आत्मज्ञान आत्म संस्कृति को बढ़ावा देता है, आत्मज्ञान आत्म संस्कृति को बढ़ावा देता है। मार्क ओबे ने 1996 में उप संस्कृति के दूसरे नाम से संबोधित किया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे संस्कृति, क्या मार्क ओबे ने क्या बताया था सर? आत्मज्ञान आत्म संस्कृति को बढ़ावा देता है, आत्मज्ञान। हाँ ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। SOS का अर्थ क्या होता है आपको पता होगा?
सेव आवर सॉइल। हाँ सर बी, हमारी आत्मा को बचाओ। बी सर, आपको मैं बता देता हूँ, जर्मन सरकार ने इसे 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, SOS का मतलब होता है, SOS का मतलब होता है सेव आवर सॉइल। जर्मन सरकार ने 1 अप्रैल 1905 में हमारी आत्मा को बचाओ की अवधारणा SOS का अर्थ बताया। ऑप्शन आपका सही जाएगा बी वाला, यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, 1601 के निर्धन यानी पुअर कानून को संदर्भित किया जाता है। पहला ऑप्शन 43 एलिजाबेथ। ओके, यहाँ सही जवाब बताया है ऑप्शन नंबर डी, 43 एलिजाबेथन। 43 एलिजाबेथन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1601 निर्धन पुअर लॉ कानून को संदर्भित करता है। मैं यहीं पर एक बात बताना चाहूंगा आपको कि इसमें तीन टाइप के निर्धन के बारे में जिक्र किया गया है, और एक निर्धन होता है कौन, स्वस्थ शरीर वाले निर्धन, स्वस्थ शरीर वाले निर्धन होते हैं, और एक होता है शक्तिहीन निर्धन। ध्यान रखेंगे मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो UGC नेट में आते हैं, ठीक है, और एक होता है आश्रित बच्चे। ये तीन टाइप के निर्धन होते हैं देखने को मिलता है, ठीक है। यही मैं दो तीन तथ्य बताना चाहूंगा। द लॉ ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ था, द लॉ ऑफ सेटलमेंट, और जानते हैं आप सेटलमेंट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1662 में हुआ था, 1662 में हुआ था। और एक वर्क हाउस एक्ट आया था, वर्क हाउस जानते हैं आप लोग, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वर्क हाउस एक्ट आया था। वर्क हाउस एक्ट कब आया था, तो 1982 में आया था, 1982 में आया था। अच्छा, आप मुझे बताइए जरा एक बार, सभी लोग, न्यास अधिनियम कब आया था? 1972 अधिनियम, न्यास अधिनियम बताओ। अच्छा, 1986 वो नेशनल ट्रस्ट है, मैं तो कहाँ जा रहे हो, मैंने राष्ट्रीय न्यास की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय न्यास ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। 1982 का ही तो है, और 1860 का जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, है ना, और कंपनी एक्ट कब का है, 1905 में आया है ये बात आपको मैंने बता दिया लार्ज हैमिल्टन के द्वारा आया था सर, ये पुअर लॉ कमीशन दिया गया, कब आया था सर ये, 1905 सर, है ना, 1905। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हट्टे कट्टे निर्धनों को कहा जाता है सामर्थ्य, ऑप्शन ए सर, ग्रामीण सर, ऑप्शन सी विकलांग निर्धन, हट्टे कट्टे निर्धन सर, ऑप्शन सी विकलांग निर्धन सर, ऑप्शन वन समर्थांग निर्धन, ए ऑप्शन सर। अच्छा सर, विकलांग विकलांग, अच्छा भाई ठीक है, सुन लिया। अब सुनिए जरा एक बात, हट्टे कट्टे निर्धनों को कहा जाता है, मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। पहले देखिए, आप सब जानते हैं कि माता पिता अथवा अन्य नातेदार के घर अथवा निर्धन गृह रहने को अगर जब बात आती है तो वहाँ पे सामर्थ्य निर्धन यानी एबल बॉडीज कहलाते हैं ना, और उनका ध्यान रखने वाले के लिए तैयार करना या व्यक्ति जनी कोई व्यक्ति पर आश्रित है, तो जैसे अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन पे दिव्यांग शब्द आ जाता है, जो यहाँ पे प्रश्न बता रहा है एक प्रकार से हट्टे कट्टे निर्धन हो। ग्रामीण निर्धन तो बिल्कुल नहीं होगा, शहरी निर्धन बिल्कुल नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए होता है या तो ऑप्शन सी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, हट्टे कट्टे निर्धन का मतलब ये मत समझिएगा कि वो व्यक्ति एबल बॉडीज वाला है
और वो हट्टे कट्टा आदमी है इसलिए वो उसको हम हट्टा कट्टा बोले, या कि वो सक्षम है इसलिए वो निर्धन। ठीक है, यहाँ हट्टे कट्टे निर्धनों को कहा गया है दिव्यांग निर्धन। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, एक बेगर्स एक्ट आया था 1494, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, भिखारी एक्ट। ठीक है, बहुत पुरानी बात है ये, जो पुअर लॉ के पहले की बात चल रही थी। ठीक है, तो 1494 में वहाँ पर जिक्र हुआ था। तो उसके बाद एक कानून बनाया गया, और कानून था आपका निर्धन, विकलांग निर्धन के लिए। तो वहाँ पे विकलांग निर्धनों की जगह पे यूज किया गया था हट्टे कट्टे निर्धन। ठीक है, कानून बनाया गया था, कानून निर्धनों के लिए कानून था वो, और दिव्यांग बच्चों को बताया गया था वो हट्टे कट्टे निर्धन। और 1388 का कानून है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, कानून करिएगा 1388 करके, निर्धन विकलांग निर्धन गूगल करेंगे। क्या है सर, 1388? जी 1388, यहाँ ऑप्शन सी सर, इसमें विकलांग विकलांग आएगा सर, विकलांग निर्धन। हाँ राइट, यही है, विकलांग निर्धन ही राइट है सर, विकलांग निर्धन ही करेक्ट जवाब है। ठीक है, इसमें क्या लिखना सर, 1388? 1388, हाँ 1388। ठीक है, अस्पष्ट हो गया अब सर? जी सर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे आप हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 12, समुदाय संदूक इंगित करता, मैंने कई बार आपको बताया समुदाय, समुदाय के संसाधन। ऑप्शन ए सर, संसाधन ए सर। अच्छा, आपने कहा कि कम्युनिटी, अगर मैं कम्युनिटी चार्ट रेफर करूं तो किसको करूंगा? सहयोग को। हां, रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज को, यस दैट इज राइट, कम्युनिटी मतलब संसाधन को। तो यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं कि समुदाय संदूक, आपको बता दूं ट्रिपल सी का नाम सुना है, ट्रिपल सी कंप्यूटर वाला, ट्रिपल सी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ट्रिपल सी बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी चार्ट कंपोनेंट है ना, आपके लिए किट जरूरी होता है। कम्युनिटी किट का नाम कितने लोग जानते हो, सुने हो कम्युनिटी किट? नहीं सुने हो, नहीं सुने हो तो मुझसे सुन लीजिए। कम्युनिटी किट क्या होता है बेसिकली, जैसे कि समुदाय में जब आप कोई काम करने जाएंगे तो वॉल भित्ति का होना जरूरी है, माइक का होना जरूरी है, पोस्टर का होना जरूरी है, बैनर का होना जरूरी है, ये सब जब एक साथ हो जाते हैं तो उसमें हम जहाँ ले जाते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटी किट। और ये बेसिकली कहा जाता है समुदाय का संसाधन, और सोशल वर्क के शब्दों में अगर बोला जाता है जिसको समुदाय को संदूक कहा जाता है, समुदाय को संदूक, यानी इसको कम्युनिटी चार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कम्युनिटी चार्ट। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा यहाँ, और सी समुदाय का गलत, समुदाय का सहयोग गलत, समुदाय के संघर्ष गलत है। सर ट्रिपल सी को बताइए एक बार, कम्युनिटी चार्ट क्या बोला था? कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब घटक। हाँ सर ठीक है। जी सर, आ रहे सर, आ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में ये सवाल आते हैं, प्रैक्टिस सोशल वर्क के प्रश्न है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सोशल केस वर्क की तो है प्राविद्वत्व है ना, या प्राविश्लुता लिखा हुआ है, इसका अध्ययन किसने किया है? ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ जो शब्द यूज किया गया है ये स्टडी करके, इफेक्टिवनेस यानी प्रभाव इसको बोलते हैं, प्रभाविकता भी बोल सकते हैं। मैं अगर इस सवाल को पढ़ूंगा तो हु स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क, तो पोस्टर जोएल का नाम आएगा, पोस्टर जोएल का नाम आएगा, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। पोस्टर जो फिशर आप कह सकते हो, या फिस्टर जोएल भी कह सकते हो, मैं यहाँ पर इसकी इंग्लिश लिख देता हूँ। ठीक है, फिस्टर, ठीक है, फिस्टर, फिस्टर जोएल, जे ओ ई एल, ये आता है और ये आपका करेक्ट जवाब आएगा। इसी ने इफेक्टिवनेस सोशल केसवर को बताया है, याद रखेंगे, इसी का इसने अध्ययन किया था। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे गाइडनर जॉन का नाम लिखा हुआ है, गाइडनर जॉन का नाम, ये समाज कार्य शोध, समाज कार्य शोध पर बात किया है, समाज, और जो पोस्टर जोएल है, सामाजिक केसवर की प्रभावशीलता के बारे में सन 1900 इसने जो बताया था वो 1976 बताया था, 1976 में बताया था, ये बात नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, 1976 बताया था। ठीक है, और देखिए ओपिस्टीन इरविन का नाम है। अच्छा, ओपिस्टीन लोरा का नाम सुना है?
कितने लोग जानते सर समाजकारी शोध 1976 इसमें आएगा गाइडर जोन में समाजकारी शोध में जी फिस्टर जोन में फिस्टर जोन में 1976 आएगा ये गार्डियन जोन में नहीं आएगा जोल में आएगा फिस्टर जोन में आएगा 1976 में ये बताया ठीक है सर क्लियर हुआ सर जी सर और देखिए ऑपिस्टीन इरविन की बात करता हूँ मैं तो रिसर्च टेक्निक फॉर द इन्होंने एक प्रकार से बात किया था क्लिनिकल सोशल वर्क यानी आप क्लिनिकल जो है सोशल वर्कर तो क्लिनिकल सोशल वर्कर में इन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए रिसर्च की टेक्निक बताया था और रिसर्च की टेक्निक किसने बताया है एपिस्टीन इरविन ने बताया है रिसर्च की टेक्निक और कोहेन जैकब की बात करेंगे इम्पोर्टेंट नाम है जिस समय 1969 में व्यवहार विज्ञान के लिए सांख्यिकीय शक्ति का विश्लेषण किया था किसका व्यवहार विज्ञान के लिए सांख्यिकीय शक्ति का क्या किया था विश्लेषण किया था ठीक है याद रखेंगे ये क्लियर रहेगा सर एक बार डबल से बोलूं ये क्या कह रहे हैं नर्सिंग सर फिर से बोलूं सुनिए हाँ सर ये रिसर्च के व्यवहार विज्ञान के लिए सांख्यिकीय शक्ति का विश्लेषण 1969 में कोहेन जैकब ने किया था इसको आप ध्यान रखिएगा कोहेन जैकब ठीक है सर व्यवहार विज्ञान सांख्यिकीय शक्ति आप चलिए आगे बढ़िए एक सवाल और स्पष्ट हो रहा है ना जी सर आगे बढ़िए आप देखिए एक और सवाल हमारे सामने आ रहा है इम्पोर्टेंट है और ये बता रहा है आपको कि अंडरस्टैंडिंग अप्रोच और मैनिपुलेटिंग अप्रोच किस पद्धति में इस्तेमाल की जाती है आप बताएंगे तो यहाँ पे समुदाय की सहभागिता होगा कि काउंसलिंग होगा कि सामूहिक सौदेबाजी होगा बार्गेनिंग कि सहकारी जीवन होगा बार्गेनिंग कह रहे हैं देखिए सुनिए मेरी बात को जो अंडरस्टैंडिंग अप्रोच है और मैनिपुलेटिंग अप्रोच है ये किस पद्धति में इस्तेमाल होती है तो ये बेसिकली समुदाय की सहभागिता में इस्तेमाल होती है ठीक है ऑप्शन आपका ए करेक्ट का और जो ये सैमुअल वेशन शब्द लिखा हुआ है इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है मंत्रणा और ये बात बर्था रेनाल्ड का आता है किसका आता है बर्था रेनाल्ड का नाम आता है ठीक है बर्था रेनाल्ड का नाम आता है सर ये इसमें भी तो आ सकता है काउंसलिंग में अंडरस्टैंडिंग अप्रोच और मैनिपुलेटिव इसमें काउंसलिंग में हाँ नहीं देखो ये किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है मतलब किस पद्धति में इस्तेमाल की जाती है काउंसलिंग में आप ना ये थोड़ी ना काम करेंगे कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं आप तो मतलब आपने किसी चीज को डेटा ग्रहण कर रहे हैं काउंसलिंग के आधार पर हम बात करते हैं मतलब डेटा ग्रहण करने की बात काउंसलिंग आपके अंदर प्रॉब्लम है तो आप इसके पास जाइए आप उसके पास जाइए है ना तो यहाँ जो अगर आप काउंसलिंग में लगाएंगे मैनिपुलेट वाला अंडरस्टैंडिंग तो गलत हो जाएगा मेरा कम्युनिटी की सहभागिता सही कारण होता है कि पार्टिसिपेट आप सभी करवा पाएंगे जब उनको मैनिपुलेट करेंगे तभी तो पार्टिसिपेट करेगा आप किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो चाहे आप साम दाम डट में जो भी आप रूल अपना रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना पार्टिसिपेट में आएगा समुदाय की सहभागिता में आएगा ठीक है सर क्लियर हो गया महात्मा गांधी के कौन से जन्मदिन पर
सर 105 106 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना आई और इसी पर बात हो रही है कि महात्मा गांधी जी के कौन से जन्मदिन की बात हो रही है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर 105 ऑप्शन नंबर आपका ये वाला जाएगा, ना कि 106 होगा, 105 105 ठीक है। और बात करते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी सर 105 क्या है सर 105 महात्मा गांधी के 105वें जन्मदिन पर ICDS को प्रवर्तित किया गया था। ओके है ना 105। और अब यहाँ पर 1975 पे आपने 78 लिखा है। अरे 75 हाँ मैंने कर दिया, मैंने बोला था 75 ही सर। वो ICDS सर क्या है उसमें मिली क्या है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ICDS का फुल फॉर्म है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर। इंटीग्रेटेड सोशल डेवलपमेंट स्कीम्स भी होते हैं ICDS। हाँ डेवलपमेंट मैं क्या सोशल डेवलपमेंट डेवलपमेंट स्कीम। आगे देखिए भारतीय संविधान की कौन सी धारा बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा का प्रावधान निर्धारित करती है। 45 अनुच्छेद 45 है ये उसी से संबंधित है। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है 46 आर्टिकल। और 47 आर्टिकल किससे संबंधित है पोषाहार स्तर से पोषाहार। और 48 किससे और 48 एनवायरमेंट पर्यावरण से कृषि और पशुपालन से संबंधित है सर। ओके सर कृषि हाँ पशुपालन से संबंधित है 48 ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 समाज कार्य के कुल 8 सिद्धांत है ये किसने वर्णन किया है कोनोपका खिदुका हैमिल्टन ट्रेक। कोनोपका हैमिल्टन सर सर हैमिल्टन होगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस बात को सब प्रयास करेंगे सभी लोग ठीक है। यहाँ सवाल है समाज कार्य के 8 सिद्धांत का वर्णन हैमिल्टन ने किया है ठीक है। किसने किया है हैमिल्टन सर और हैमिल्टन इज द राइट आंसर होगा। यहाँ देखो आपको मैं बता देना चाहता हूँ हैमिल्टन ने समाज कार्य में केसवर का जब सिद्धांत दिया था थ्योरी एंड प्रैक्टिस सोशल केसवर उसी में 8 सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया था ठीक है। और जो गेशल कोनोपका का नाम आता है वो साहस और स्नेह सन 1988 में दिया था और सामाजिक समूह कार्य में इन्होंने एक सहायक प्रक्रिया के रूप में प्रेजेंट किया था गेशल कोनोपका ने एक सहायक प्रक्रिया के रूप एक हेल्पिंग प्रोसेस। तो सोशल ग्रुप वर्क आ हेल्पिंग प्रोसेस किसका आता है 1971 में गेशल कोनोपका का आता है हाँ। और जो खिदुका का नाम है ना आप खिदुका का नाम अगर हम बात करें तो खिदुका महोदय जो है इन्होंने शांति की बात की थी शांति शांति के बारे में बात की थी। अच्छा ये शांति इसकी मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को ये प्रोफाइल इन इंटरनेशनल सोशल वर्क है ना प्रोफाइल पे बात करने वाले अगर कोई विद्वान थे इंटरनेशनल केस इंटरनेशनल समाज कार्य के बारे में खिदुका का नाम आता था। और HB ट्रेकर का जो नाम आता है वो सोशल ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके किताब आती है जो 1948 में आई थी उस समय बात हुई ठीक है ये बात याद रखिएगा ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 सर कोनोपका 1948 में क्या है सर कोनोपका नहीं सर 1948 में ट्रेकर ट्रेकर हाँ सर ट्रेकर 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 1948 है कोनोपका सर आपका आएगा 1988 आएगा 1988 में साहस और स्नेह की बात किया था साहस और ट्रेकर ट्रेकर ने क्या बोला था सर वो पूछ रहा हूँ मैं सर सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल और प्रैक्टिस बताया है प्रिंसिपल और प्रैक्टिस बताया है ग्रुप वर्क 10 सिद्धांत दिए कितने 10 इसमें 10 सिद्धांत ठीक है इसमें 8 सिद्धांत ठीक है।
बाल न्याय अधिनियम का प्रवर्तक कौन माना जाता है? 2001, 2002, 2003, 2004। बताइए। 2001 सर। 2001 सर। 2001 सर। ओके। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना? आप लोगों ने मेरे से एक बात तो सुना ही होगा, किशोर न्याय अधिनियम जो 2000 का है, आया था 2006 में आया था, है ना? यस सर। है ना? तो ये आपने सुना ही होगा। तो मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि अब आपको बता दो कि वो जो 2000 में आया था वो संशोधन का पार्ट था। उसमें ये कहा गया कि 16 साल का लड़का और 18 साल की लड़की को अपराधी माना जाएगा, ये कहा गया संशोधन के माध्यम। तो वो 2000 में था, अब 2019 में तो नहीं है, है ना? 2001 है, इसलिए आप 2001 को लगाइए, है ना? इसलिए अगर अब प्रश्न आएगा तो वो अपवाद, वो कॉमन नंबर सबको दी मिलेंगे। पहले इसको करेक्ट माना है आयोग ने, तो 2001 माना है, ठीक है? परंतु अगर अब आएगा तो 2001 लगाइएगा, और फिर भी उस पे जाएगा ही, अपवाद में, विवाद में जाएगा, क्लेम पर जाएगा ये प्रश्न अगर आएगा, ठीक है? सर, इसमें आप जो बता रहे थे 16 साल की लड़की और 18 साल का लड़का अपराध माना जाए, कौन से एक्ट के तहत है सर? इसमें ये सर भारत में बाल न्याय अधिनियम का नाम आप जानते होंगे। बाल न्याय अधिनियम जो 1986 में आया, उसके बाद एक संशोधन हुआ 2000 में, उसमें कहा गया कि 16 साल का लड़का होगा और 18 साल की लड़की वो अपराधी होगी। अगर सर वो तो किशोर बाल न्याय अधिनियम है ना सर, ये वही है क्या जी? किशोर बाल न्याय अधिनियम है ना सर, वो तो वही तो है, वही न्याय, उसी को बाल न्याय अधिनियम कहा जाता है, वही है। बाल न्याय अधिनियम कब होगा? अगर मैं इसको किशोर तब कहता ना, जब वहाँ पे किशोर किशोरियाँ 18 क्रॉस हो जाती है, है ना? तो मनोविज्ञान के आधार पे तो 18 क्रॉस किया ही नहीं है, 18 के नीचे की बात कर रहा है सर। उसमें तो 2000 है ना सर, 2000 है ना सर किशोर बाल न्याय अधिनियम तो सर। वही तो मैं बता रहा हूँ, वही क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हो आप? किशोर बाल न्याय तो भारत में बाल न्याय अधिनियम है, उसको 1986 का, वो आप किशोर न्याय के नाम से जानते हैं। संशोधन हुआ, वो क्या हुआ? संशोधन हुआ, तो उसी का तो नाम रखा गया है बाल न्याय अधिनियम। और वो बाल न्याय अधिनियम सर जो है, उसी को बोलते हैं किशोर न्याय अधिनियम या बच्चों की देखरेख या संरक्षण अधिनियम, उसी को कहते हैं, ठीक है? ये आप समझ लीजिए कि 1986 में बाल न्याय अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सारे देश में एक समान बाल अधिनियम लागू कर दिया गया, और इस अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष की आयु से कम के लड़के व 18 वर्ष की आयु की कम की लड़की किए गए कानूनी विरोधी कार्य को बाल अपराध की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो ये भी किशोर अपराध के ही अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखें। ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा पहला वाला, स्पष्ट हुआ? एक बार क्लिक करिए। यस सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। मैंने ये देखो सवाल कई बार बोलता रहता हूँ हमेशा, कि वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने समाज कार्य के प्राथमिक मूल्यों को बांटा है दो भागों में, कि तीन भागों में, चार भागों में, पांच भागों में? तीन में सर। तीन में सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ ये कह दूं कि फिनलैंड ने समाज कार्य के कितने भाग में बांटे हैं, तब ऑप्शन क्या होता? दो भाग। सर, दो में। दो भाग। वेरी गुड। दो में सर। तब दो में सर। प्राथमिक हो जाता है। तब दो में होता है सर। और एक प्राथमिक और गौण सर। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? प्राथमिक भागों को बांटा है, इसको कितने भागों में, तो ध्यान रखिएगा तीन भागों। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। समाज कार्य में पहली समिति की स्थापित, पहली समिति स्थापित समाज कार्य, बताइए। बताइए सर। 1958 सर। 1958 सर। पहली समिति जो स्थापित की गई थी 1960
मैंने अभी हाल ही में आप लोगों की क्वेश्चन लिया था एमएसडब्ल्यू को आफ्टर कौन ने लिखा है ना, मुझे याद है कि मैंने वहाँ पे जब पढ़ा रहा था समाज कार्य शिक्षा के बारे में जब आपको वहाँ पे इतिहास में बता रहा था तो पहली समिति 1960 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहला वाला ऑप्शन, सॉरी सी वाला ऑप्शन 1960 है ना। समाज कार्य की माँ किसे कहा जाता है, जेन एडम्स को, एडम को, ठीक है, हल हाउस। और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा कार्य क्रम के माध्यम से जोड़ा भी गया है, और गरीबी पर अगर हम बात करते हैं जैसे युद्ध, गरीबी पर युद्ध, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई नाम आता है तो ध्यान रखिएगा मार्क बैटल का नाम आता है जो 1956 रिप्रेजेंट करता है, 1956 रिप्रेजेंट, ठीक है। परंतु यहाँ समाज कार्य की पहली समिति थी तो आप 1960 लगा के आइएगा, ये आपका करंट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21, समाज कार्य के लिए दोराबजी टाटा स्कूल के पहले निदेशक का नाम क्या था, बिलो मौर्या सर, मन सर, इसमें आपने लिखा बी वाला सर, मन सर, सी सर, एक मिनट सर, इसमें समाज कार्य पहली समिति 1965 में लिखवाया था, 1965 पहली समिति थी, हाँ, और दूसरे समाज कार्य की समिति 1980 में आई, दूसरी 1980 थी, और 1965 है ना, ठीक है, हाँ, पहली समिति, तो इस हिसाब से 1962 आना चाहिए ना, वो जो आप बता रहे हैं सर ना, वो समाज कार्य की शिक्षा की पहली समिति बता रहे हैं आप, शिक्षा की, हाँ, आप शिक्षा की बता रहे हैं 65 वाला और 80 वाले, मैं समाज कार्य जब शिक्षा पढ़ा रहा था इतिहास भारत का तो उसमें लिखवाया था, ठीक है सर, है ना सर, उसका तो आप, हाँ, शिक्षा उसमें शिक्षा नहीं लिखे था, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए 65 बने लिख लिया सर, है ना, शिक्षा की, यहाँ समाज कार्य पहली समिति की स्थापित 1960 इज द राइट आंसर होगा, आप बताइए, हाँ, कोई बच्चा बोल रहा था यहाँ पर, अभी वाला सवाल बताइए 21 का, सर मंसर्ड, हाँ, सी ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन सी, किसी बच्चे ने बिल्लो मौर्या बोला था, मैं सुन रहा था बिल्लो मौर्या, सर मैंने बोला था सर, लेकिन सी वाला है, मंसर्ट है सर, सही बात है, हाँ, अरे भाई मैंने लिखवाया, मंसर्ट आएगा सर, मंसर्ट लिखवाया है सर, आप लोगों से शॉर्ट नोट नहीं खोला है क्या अभी तक, कब पढ़ोगे शॉर्ट नोट, नहीं सर लिखवाया है मंसर्ट, सब अब नोट ओपन करना शुरू कर दीजिए अपने, मैंने कह दिया वो समय आ चुका है अब कि आप अपने नोट्स को देखें, है ना, अब वो घड़ी आ चुकी है, इसलिए अब डेली आप अपने शॉर्ट नोट्स को देखें। देखिए यहाँ पे सर दोराबजी के बारे में बात करें हम लोग, जहांगीर रतन जी दादा भोर टाटा, इन्होंने स्थापना की थी TISS की, और ये 1944 में इसका नाम परिवर्तित हुआ, पहले तो इसको सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट के नाम से जाना जाता था, टाटा स्कूल के नाम से जाना जाता था, और ये बात आपको पता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप। और आज वर्तमान में इसके जो निर्देशक हैं उनका क्या नाम है, शालिनी भारत, मुंबई में इसकी स्थापना हुई 1936 में, ठीक है, याद, जेएम जानते हैं, जेएम कुमार अप्पा, ये कुमार अप्पा लिखा हुआ है, जेएम कुमार अप्पा जो है ना व्यवसायिक समाज कार्य के लिए शिक्षा में इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है, व्यवसाय समाज कार्य शिक्षा में, नाम नोट कर लिए, जेएम कुमार अप्पा व्यवसाय समाज कार्य की शिक्षा में, ठीक है। किरो किलो मीडिया का नाम तो बताओ चाइल्ड लाइन में आता है, और ये बताओ TISS की प्रोफेसर है, ये TISS की क्या है, प्रोफेसर है, याद रखिएगा जीरो बिल्लो बरिया के बारे में, ठीक है। अच्छा खिदुका का है, खिदुका प्रोफेसर का आईजी सर जी, बिल्लू मौर्या कौन है सर, ये सर TISS की प्रोफेसर है सोशल वर्क, सोशल वर्क में प्रोफेसर हैं ये TISS में, और इन्होंने चाइल्ड, आपने सुना होगा गाइड चाइल्ड लैंड के बारे में, मैंने पढ़ाया है आपको इनके बारे में, है ना, 1098 नंबर ये इन्होंने विकसित किया है ना सर। इसके वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान ये कौन है सर निदेशक, किसके, शालिनी भारत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे भाई, मैं एक ही बात कितनी बार मुझसे बुलवा रहे हो आप लोग,
है ना, या तो सुन नहीं पा रहे हो आप, मन से पढ़ नहीं पा रहे हो, मैं एक एक बच्चे को कैसे जवाब दे पाऊंगा अभी 21 क्वेश्चन और के, है ना, एक एक बच्चे को जवाब देना है मुझे, है ना, तो आप थोड़ा सा अच्छे से करें, सही से नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना सर। पूरा नहीं लिखा था, शालिनी, शालिनी भारत सर, शालिनी भारत आज वर्तमान में टी आई एस एस की, शालिनी भारत, ठीक है सर। तो आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए मनो जो है, मन क्रोध गांव का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, भूदान आंदोलन, सर्वोदय अभियान, ग्राम दान आंदोलन, कृषक अभियान। मन क्रोध गांव का संबंध किससे जुड़ा हुआ है सर, ग्राम दान या कृषक हो सकता है, देखो ग्राम दान क्योंकि भूदान और सर्वोदय तो है, ग्राम दान अभियान है ना, विनोबा भावे ने 1951 में शुरू किया था पोचमपल्ली गांव में, 200 गांव की यात्रा की थी, 56 में से 40 लाख एकड़ की जो है जमीन, उससे ज्यादा जमीन जो है दान में मिली थी, है ना। और जो सर्वोदय अभियान है मैम, इस शब्द के बारे में गांधी जी ने सर्वोदय के बारे में जब जिक्र करते हैं, हालांकि अनटू दी लास्ट जो किताब रही रस्किन, बड़ी प्रभावित रही पर आधारित थी सर्वोदय अभियान, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें खासकर। और जो कृषक समाज है, सॉरी कृषक समाज तो उसका है ना, रॉबर्ट, क्या नाम है उसका, रॉबर्ट रेडफील्ड का है, यहाँ पे कृषक अभियान है, कृषक अभियान जो है ना वो राष्ट्रीय किसान नीति के अकॉर्डिंग 2007 में लाई गई थी, 2007 में लाई गई थी कृषक अभियान 2007 में। और भूदान आंदोलन 1951 का है, जो मन ग्रोथ गांव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, और 22 वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, पहले वाला सही जवाब होगा। अगला सवाल दीजिए, समता और समता में वृद्धि होती है, बात सही है, महिला सशक्तिकरण की, समुदाय सशक्तिकरण की, अपंग सशक्तिकरण की, बाल सशक्तिकरण की, क्षमता और समता में वृद्धि होती है, बताइए क्या बोलेंगे आप, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं होगा मैम, क्षमता और सर ए ऑप्शन, ऑप्शन बी होगी, बी ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, करेक्ट जवाब सी होगा, समुदाय सशक्तिकरण, समुदाय सशक्तिकरण, ऑप्शन बी जो है क्षमता और समता में वृद्धि होती है, बी इज द राइट आंसर होगा इसका। सामाजिक क्रिया विधि को मान्यता दी गई है, बताइए हैमिल्टन के द्वारा, रिचमंड के द्वारा, फिर्क के द्वारा, फ्रीडलैंडर के द्वारा, सर फ्रीडलैंडर के द्वारा, सामाजिक क्रिया विधि की मान्यता, सामाजिक क्रिया विधि, सामाजिक क्रिया विधि, समाज कार्य में फ्रीडलैंडर अगर आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, समाज कार्य क्या होता है, फ्रीडलैंडर के द्वारा, ये नहीं समझ पा रहे हो, सामाजिक क्रिया विधि, अरे भाई आपने एक परिभाषा सुना 1922 में सोशल एक्शन की परिभाषा, प्रचार प्रचार विधान के नाम सुना है परिभाषा का, नहीं रिचमंड का, मैंने कई बार बोला आप लोगों को सामाजिक क्रिया की परिभाषा, सामाजिक क्रिया की परिभाषा 1922 में नहीं सुना, मैं सुनाऊं फिर अगर नहीं सुना है, जी जी सर सुना है ना, वही चीजें हैं आप लोगों को ध्यान रखना है, परिभाषा में प्रचार एवं सामाजिक विधान, एवं सामाजिक विधान के माध्यम रिचमंड, जी सर, माध्यम से जन समुदाय, जन समुदाय का कल्याण, कल्याण सामाजिक क्रिया कहलाता है, और ये परिभाषा मैरी रिचमंड की है 1922 की, ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला करेक्ट जवाब है, ये तो सामाजिक क्रिया की ही तो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि नहीं करेक्ट होगा बताइए, होगा है ना, जी सर। हाँ, अगला सवाल, जी सर, अगला सवाल, यहाँ पे अगला सवाल हमारे सामने है, इलिटिस्ट, इलिटिस्ट सोशियो एक्शन, इलिटिस्ट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, इंग्लिश दिखा दूं शायद आप समझ जाएं, अब बताइए 25 इलिटिस्ट सोशल एक्शन, एक आपने नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया था सामाजिक क्रिया में बिट्रो के द्वारा दो भागों में डिवाइड किया था 1984 में, एक था लोकप्रिय सामाजिक क्रिया, सॉरी जी सर, और एक सामाजिक, हाँ, और एक क्या था, विधायी या विशिष्ट, जी सर,
तो जो विशिष्ट बात की गई है कि इत, अब यहां पर देखेंगे तब समझ में आपको आएगा, पूरा सवाल देखिए ना तब समझ में आएगा। और कहा कि और पॉपुलर सोशल एक्शन शब्द किसने प्रचलित, तो एक लोकप्रिय था, एक विधाई वाला था, तो आप मुझे बताएं किसका नाम यहाँ पर आना चाहिए, डनहम, कैपबेल, विट्रलो, विट्रो और अगस्त। विट्रलो ऑप्शन नंबर बी, विट्रलो सर, विट्रलो बी करेक्ट। ऐसा कोई प्रश्न अभी तक आपको नहीं मिला है जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो, प्रश्न सारे सरल हैं, मैंने सारे बता रखे हैं, है कि नहीं बताइए। यस सर। तो फिर जवाब दे पा रहे हो आप लोग, सवाल पढ़ो जवाब दो, ये आज का आखिरी सवाल है, इसके बाद 8:30 पर क्लास चलेगी। आगमन के सांस्कृतिक पक्ष यानी कल्चर लैग का सिद्धांत सामाजिक विकास के संदर्भ में आज सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में बहुत अधिक संबंधित है, बताइए सही है गलत है। करेक्ट है सर, ये सही है। सही है, कल्चर लैग का सिद्धांत ने सामाजिक विकास से संदर्भ में है, आज सामाजिक विकास का संदर्भ जो भी अधिक संबंधित है, और ये कल्चर लैग से सही है। किसी भी समाज में सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत किसी भी समय में स्थिर रहता है, क्या ये बात सही है या गलत है। किसी भी समाज में, कोई समाज ले लो, समाज स्थिर तो नहीं होता, स्थिर नहीं रहता, सामाजिक संघर्ष गलत है, गलत है, स्थिर तो नहीं होता, किसी भी समय स्थिर रहेगा, स्थिर का मतलब गलत है सर। और ये गलत है, पता सर ये रॉन्ग है सर। हाँ, आपका ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर, अरे सी ऑप्शन, सी ए सही है, आर गलत है, आर गलत है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सर, बी हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हम लोग 8:30 पर फिर क्लास करेंगे, आज के लिए इतना ही रखिए, अभी लोग 8:30 पर इसी के आगे पढ़ेंगे और भी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए।